Hello students, welcome to Easy Engineering classes. In this class I will tell you how to take input from user in Java. जैसे आप लोग C और C++ में C in, C out, printf, scanf यूज़ करके यूजर से इनपुट लेते थे, जावा में भी हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं. वन example ऑफ टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर इज यूजिंग कमांड लाइन arguments, which I have already covered in the earlier classes. Now let's see a more convenient or more conventional way of taking input from user. There are many ways in which you can take input from user in Java, but the simplest or most used way is using scanner class in the util package of Java. So I will show you the complete steps of taking input from user, different methods that can be used in the scanner class. तो आइए शुरू करते हैं. कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हैं. सबसे पहले आपको इन स्टेप्स को याद करना पड़ेगा. सबसे पहला जो स्टेप है वो है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास. आपको क्लास शुरू करने से पहले ये पैकेज को इम्पोर्ट करना है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर. देन यू नीड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास. क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास. उसके बाद यूज इनबिल्ट मेथड्स ऑफ स्कैनर क्लास टू टेक इनपुट. जो स्कैनर क्लास के कुछ इनबिल्ट मेथड्स हैं उन्हें यूज करके आपको इनपुट लेना है. और कुछ इनबिल्ट मेथड्स कौन कौन से हैं आपको बता देता हूँ एक बार. सबसे पहला जो है इंटीजर वैल्यूज को लेने के लिए वो है नेक्स्ट इंट मेथड. देन वी हैव नेक्स्ट मेथड टू टेक स्ट्रिंग वैल्यूज. एंड देयर आर मेनी मोर मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड व्हिच आई विल शो यू इन द डेमोन्स्ट्रेशन क्लास. सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन राइट अ कोड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने पहले से लिख के तैयार रखा है क्लास का. सबसे पहले मैंने क्या करा है इसमें, मैंने जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को इंपोर्ट किया है. सो आपको भी इस क्लाइंट को लिखना पड़ेगा. देन क्लास इनपुट वन एक क्लास बनाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स. एक वेरिएबल लिया एक्स टाइप का, एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग टाइप का. अब देखिए उसके बाद हमने क्या कहा था, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास. तो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, स्कैनर SC1 ऑब्जेक्ट का नेम, न्यू स्कैनर, एंड इन दिस यू हैव टू पास सिस्टम डॉट IN एज ए पैरामीटर. इट इज अ इनपुट स्ट्रीम विच यू नीड टू पास वाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास. देन टू टेक इनपुट यू हैव टू राइट X इज इक्वल्स टू, आई हैव टू कॉल दिस मेथड नेक्स्ट इंट मेथड. तो उसे कॉल करने के लिए हम ये वाला ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. दैट मीन्स X इज इक्वल्स टू SC1 डॉट नेक्स्ट इंट. देन S इज इक्वल्स टू SC1 डॉट नेक्स्ट. एंड इफ आई प्रिंट द वैल्यू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस. तो जो वैल्यूज यूजर एंटर करेगा वो वैल्यूज यहाँ पे अब प्रिंट हो जाएंगी. सो इन दिस वे यू कैन यूज स्कैनर क्लास टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर. नाउ लेट्स सी द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर इन द सिस्टम विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन जावा यूजिंग स्कैनर क्लास. In this I will take two types of input, one is integer type and another is string type, using two different methods, one is next int and another is next method. So now let's begin with the implementation part. You can write the code side by side while I am writing on the screen, and so that you can practice later on your system. So now let's start with the coding. For that first you need to import java dot util dot scanner class in your program. So keep in mind that before
without importing this particular class, you can take, you cannot use this scanner class objects or scanner class methods in your class. So import this first. Now create object of scanner class to use in your program. So the scanner class object is created using this scanner sc1 equals to new scanner, and you have to pass input stream parameter system.in. I have taken two variables int I and string s. Now let's use the method, inbuilt method of scanner class to take input from user. For taking the input of integer type, you have to use object of scanner sc1 dot method, which is next int. And to take the input of string type, use object dot next method. So this is the entire program that I have created for taking input for the use from the user. Now let's compile this program. Java C input demo dot java. The file is compiled, so let's run it. Input demo. Now it is asking for the value of I. I am entering 5. Now it is asking for the value of string, which is I am entering EC, that is engineering classes. So once you enter the value, you can see that both the values are printed by the console. You can try different methods that are present in scanner class. It is virtually impossible for any trainer or instructor to teach you each and every method, but still I will try to make videos of important methods that are commonly used in the programming part. Aap try kijiye scanner class ko, स्कैनर क्लास के मेथड्स को यूट्यूब गूगल पर जाके स्कैनर क्लास के अंदर के डिफरेंट मेथड्स को पढ़िए और उनको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई कीजिए. एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं. मैं ट्राई करूँगा आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर ट्यूटोरियल्स ऑन जावा एंड अदर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स. थैंक यू.